भैया बटलर क्रॉसिंग आ जाए तो रोक देना। लीजिए। भैया ये बटलर क्रॉसिंग वाली पीली बिल्डिंग यही है? हाँ जी यही है। अच्छा जी मैम, आपको किससे मिलना है? भैया समीर साहब यही रहते हैं क्या? समीर साहब यहाँ ऊपर सेकंड माले पर। अच्छी धन्यवाद। जी जी समीर साहब। भैया ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, आप कौन? जी मैं कानपुर से आई हूँ, समीर साहब से कुछ काम है। आइए। समीर भैया आपसे कोई मैडम मिलने आई। मैडम चलिए बैठाइए, मैं आता हूँ। जी आप? समीर बेटा, बेटा मैं कानपुर से आई हूँ, मुझे तुम्हारी मौसी ने भेजा है। मौसी? हेलो। हाँ दिव्या। पहुँच गई आप? हाँ हाँ समीर के पास ही हूँ। अच्छा उसको फोन दीजिए। लो बेटा अपनी मौसी से बात करो। हेलो समीर चतुर्वेदी, बहुत बड़े आदमी हो गए हो। हाँ मासी को फोन भी नहीं करते, ना तुम और तुम्हारी माँ, तुम दोनों एक जैसे हो। अच्छा सुनो, चलो चलो काम की बात सुनो। ये जो महिला तुम्हारे पास मैंने जिनको भेजा है ना, इनका नाम है सुधा शुक्ला, हमारे कानपुर की ही तो है। बहुत सैड स्टोरी है बेचारे की। 2 साल पहले इनके पति का स्वर्गवास हो गया और अभी 5 महीने पहले ही इनका इकलौता बेटा जो कि लखनऊ में काम करता था उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट क्या हुआ, कोरोना के चलते किसी हॉस्पिटल ने इमरजेंसी तक में बेचारे को नहीं लिया और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाने की वजह से वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। प्रॉब्लम ये है इनकी कि वो कंपनी जिसमें इनका बेटा काम करता था वो इनको कंपनसेशन ही नहीं दे रही है। 10 चक्कर लगवा चुकी है कानपुर से लखनऊ, परेशान हो गई है बेचारी। मेरे पास आई कहने लगी बहन जी क्या करूं। मैंने कहा यार आप चिंता मत करिए, बस समीर के पास चले जाइए, मेरा भांजा लखनऊ में रहता है, वो आपका सारा काम करा देगा। ये वही हैं जिनके बाप दादा ने अपनी जमीनें तक BHU को दान कर दी थी। इनका गोत्र भी और हमारा गोत्र भी सेम है। ये शुक्ला, हम चतुर्वेदी। आप एक बात समझ लो कि तुम्हें ये काम करवाना है और करवाना है। हेलो, अरे क्या गिरा दिया कमबख्तो। अच्छा सुनने तो उसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे किसी मीटिंग में भी जाना है। माफ करना बेटा, तुम्हें देखकर मुझे अपना देवर्षि याद आ गया। देखिए आप ये मत, आप ये बताइए वो कहाँ काम करता था? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ तुम्हें ऑफिस की देर हो रही है, अगर तुम किसी को जानते हो वहां तो बस एक फोन कर देना, मैं खुद चली जाऊंगी। देखिए आप परेशान मत हुई, आप बैठिए, मैं आके एमडी को जानता हूँ। आप बैठिए, चाय वगैरह पीजिए, बैठिए मैं कुछ करता हूँ। राकेश मैम के लिए चाय लेके आओ। गुड मॉर्निंग सर, समीर दिस साइड सर। मॉर्निंग समीर, होप एवरीथिंग ऑल राइट। आजकल कोरोना टाइम्स में किसी का फोन आ जाए अचानक तो घबराहट होती है। एवरीथिंग्स फाइन सर। सर आपसे एक बात पूछनी थी इसलिए मैंने आपको फोन किया। हाँ बताओ। सर आपकी कंपनी में कोई मिस्टर देवर्षि शुक्ला नाम का लड़का काम करता था? देवर्षि, ही वॉज सच एन एफिशिएंट एंड यू नो फोकस्ड एम्प्लॉय, ही वॉज माई फेवरेट एम्प्लॉय। उसका जाना मेरी कंपनी और मेरे लिए पर्सनल बहुत बड़ा लॉस है। सर उसकी माँ कई बार आ चुकी है कॉम्पेंसेशन के लिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अरे लेट मी सी इट पर्सनली। मैं उनको लेकर आपके ऑफिस आ जा रहा हूँ, आप कुछ भी करिए और उनकी कॉम्पेंसेशन दिलवाइए सर, प्लीज। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रिया लिसन,
कुछ भी करके आज मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। It's extremely tough, sir. I know it's tough, but just do it. एक पर्सनल काम आ गया, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। But sir, it will be a big loss for the company, sir. Please come. I know, it's tough. Sir, the clients have come from Bombay and they're waiting for you. एक काम करो, उनको लखनऊ घुमाओ, book them in Taj and I'll manage it. But sir, just do what I say. Sir, sir. All right. मेरे पास शब्द नहीं है कि जिससे मैं बता सकूं कि देवर्षि के जाने से मुझे खुद कितना नुकसान हुआ है। वो मेरा एक बहुत फेवरेट एम्प्लॉय था, जो हम लोग का CSR डिवीजन है वो अकेले हैंडल कर रहा था, एंड ही वाज डूइंग इट ब्यूटीफुली, बहुत अच्छा काम कर रहा था। बहुत ही मेहनती, बड़ा फोकस्ड बच्चा था। उसको खोना मेरे लिए एक पर्सनल लॉस है। बताइए कि हम ऐसे कोरोना के दौर में जी रहे हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, और कुछ सिस्टम का फेलियर है कि एक मामूली एक्सीडेंट का पेशेंट, उसको इलाज नहीं मिलता है, उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। आई एम अप्रोचिंग गवर्नमेंट फॉर दिस, और मैं इसका देवऋषि का भी केस वहाँ पर प्रेजेंट करूँगा। हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि ऐसे केसेस में एक फंड होता है, हालांकि जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती, छोटा सा अमाउंट है। अच्छा बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुमने बड़ी कृपा की है आज। अरे आंटी, कैसी बात कर रही है आप, ये तो मेरा फर्ज था। अब मैं निकलूंगी, अभी जाऊंगी तो रात तक कानपुर पहुंच जाऊंगी। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, आप दिन भर में बहुत थक गई होंगी। आप एक काम करिए, मेरे साथ ऊपर चलिए, हमारी कंपनी की गाड़ी आपको घर तक छोड़ देगी। चिंता मत करिए आंटी, चलिए प्लीज। आप बैठिए प्लीज। आ गई मैं ना, हो गया आपका काम। दरअसल आज सुबह आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाई, मैं यूनिवर्सिटी चली गई थी, लेकिन समीर ने आपके बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। अफसोस हुआ आपके बेटे के बारे में सुनकर। मेरे जीने का तो वही एक मकसद था बहन जी, पर शायद भगवान को यही मंजूर था। पर समीर बेटे ने आज मेरा एक बहुत बड़ा काम करवा दिया। वैसे आप? मैं समीर की अम्मी। अम्मी? समीर चतुर्वेदी? समीर चतुर्वेदी तो बी ब्लॉक में रहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता बहन, समीर चतुर्वेदी हो या समीर खान, जैसे आप समीर चतुर्वेदी की आंटी हो, आज से आप समीर खान की आंटी हुई।